अस्सलाम वालेकुम मतलब बरकातहू। पार्ट टू वीडियो है और ये किसी कोचिंग सेंटर के बुक्स से मैं ली हूँ कि और उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर आप मेरे कांटेक्ट कीजिए कि मेरी तरह बुक्स नहीं मिलके परेशान होते रहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि ये मेरे को मैं फिर दूसरे बार रिपीट सुनने के लिए मेरे लिए भी और मेरे तरह जो भी लोग परेशान थे उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाई हूँ। और ये बुक मैं लिखी सो नहीं है कि दूसरे कुछ कोचिंग सेंटर की थी उनकी लिखी हुई है और क्रेडिट्स उनके ही है, वो लिखे सो वालों के है और मैं ओनली सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। और अब चले हम उर्दू मेथोडोलॉजीज में और पार्ट टू का ये है। पार्ट वन आप ज़रूर देखिए। मादरी ज़बान की तदरीसी तरीके हैं खेल, क्योंकि मेरे पास पहले भी बुक थी तो ऐसे ही किसी फ्रेंड को दे दी तो उन्होंने घुमा दिए, ऐसे हो गए तो बुक घूम गई थी। बहुत अच्छा था उसमें भी कंटेंट, तो अब वो फिर बुक नहीं मिली तो फिर मेरे को ये थोड़े पेपर्स मिल, मैं ऐसे फ़ोटोज निकाल के थी तो वो पेपर्स थे, तो वो पेपर्स ही मैं रिपीट कर रही हूँ अब, क्योंकि एक वीडियो बना के रखने से मेरे कुछ फ़ायदा होता और आप मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स और मेरे सहेलियों को और आप लोगों को सबको फ़ायदा होगा और किसी को इससे नुकसान हो रहा है, इससे किसी को तकलीफ़ हो रही है तो मेरे को ज़रूर बता दीजिए, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगी। और यह चलो मादरी ज़बान की तदरीसी तरीक़े। खेल खेल का तरीक़ा। खेल बच्चे की ज़िबलत है। ज़िबलत है। बच्चे की कुदरती रुझान खेल है। बच्चे की तमाम कुव्वत खेल है। इस कुव्वत से काम लेना मुअल्लिम का काम है। इस तरीके के ज़रिए बच्चों को तालीम दे सकते हैं। मॉन्टेसोरी तरीक़ा। एक्चुअली ये मेरे को कौन से मतलब 2018 के डीएससी या 2014 या 2018 के डीएससी में मेरे फ्रेंड मेरे को गिफ्ट किए थे, वो मैं किसी और को फ़ोटोज़ निकाल के भेजी थी तो मेरे गूगल फ़ोटोज़ में मैं था ये, तो मैं फिर उसको रिपीट निकाल के अब उसको इकट्ठा करके एक वीडियो बना के अब मैं फिर उसको मैं पढ़ के आप लोगों को भी ये वीडियो सुना रही हूँ। ओके कंटेंट तो एक ही रहता ना, कौन सा मेथोडोलॉजी तो एक ही है। मॉन्टेसोरी का तरीक़ा। ये तरीक़ा बच्चों के फितरत के मुताबिक हैं। बच्चे को वही चीज़ सिखाई जानी चाहिए जो वो खुद सीखना चाहता है और इस तरह सिखाया जाए जिस तरह वो सीखना चाहता है। इस तरीके तालीम को खुद साख्ते तालीम कहते हैं। मॉन्टेसोरी हमेशा इस बात के हामी थे कि बच्चे को हमेशा हकीकी दुनिया में रहना चाहिए, इसलिए वो ख्याली चीज़ें जैसे झूठ मूठ के किस्से, भूत प्राप्त, देव और परियों की कहानियां के मुखालिफ थे। इस तरीके में स्कूल टाइम टेबल की गुंजाइश नहीं है। मॉन्टेसोरी को लफ्ज़ उस्ताद या मुअल्लिम से जोड़ते हैं। वो लफ्ज़ मुअल्लिम के बजाय डायरेक्टर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। बच्चे पर इनफरादी तवज्जा खेल ज़रिए तालीम। मदरसों में बच्चों की हुकूमत और नज़म व ज़ब्त के हालिया सूरत मॉन्टेसोरी की तालीमी व फिक्री अमल के आइनदार हैं।
किनरगार्डन तरीके तालीम। इस तरीके का बानी फ्रोबेल थे। किनरगार्डन के मानी बच्चों का बाग। जिस तरह बीज में दरख्त बनने की सलाहियत पोशीदा होती है, इस तरह एक बच्चे में परवान चढ़ने की पूरी सलाहियत मौजूद रहती है। इसलिए फ्रोबेल ने मुअल्लिम को एक माली से तशबिया देते हैं। माली से तशबिया देने वाले कौन है? बोलते फ्रोबेल। तालीम का मकसद यह है कि बच्चे अपने आप को समझने के लिए खुदा के साथ इसका रिश्ता जोड़ सकते हैं। तालीम के ज़रिए बच्चे की कुदरती सलाहियत उजागर हो। इस हालत को नज़रिये नुमा या खुद अमल कहते हैं। बच्चे की ये फितरत होती है कि वो अपने आप को जाहिर करे, जैसे हुसूल खुदी कहते हैं। बच्चे की तमाम क़ुव्वतें फ़िरोग़ पाए, ज़ौक़ तजस की तस्कीन हो और फितरी अवाम के बिला रोक ठोक नोशोनुमा हो। उसके बाद तो फिर लगात 9 साल की उम्र से पढ़ना शुरू। ज़रो फहमी तीसरे तेज़ी से पढ़ना मतलब फहमी पढ़ते वक्त मतलब समझकर पढ़ना। पढ़ना और लिखना दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है। लिखना सीखने के दो मकसद हैं। ज़ोर नवेसी तेज़ी से पढ़ना, खुश्क नवेसी GHW। खुश्क नवेसी एक फ़न है। ज़माने क़दीम में खुश्क नवेसी की बड़ी अहमियत थी। आज के जदीद और मसरूद के दौरान में इस पर अहमियत नहीं दी जा रही है। मदरसे कभी कभी अभी इस पर भी ध्यान दे। लिखना सीखने का तरीके की अहमियत। पश्तोलॉजी का तरकीबी तरीक़ा में इन्होंने तहरीर को तहलील करके यह साबित किया कि जितने हरूफ हैं वो ख़तों से मरकब होते हैं, जैसे ख़त मुस्तकीम, दायरा, ख़त मुनहानी जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के लकीरों के मशक से उंगलियाँ और यहाँ पे क्या है, वर्जिश होते हैं। बाज़ माहरीन का ख्याल है कि एक हरूफ को सिखाने के लिए कम अज़ कम एक दिन लगेगा। शायद मॉन्टेसोरी तरीक़ा, ये तरीक़ा हिस्सी और हल्की उसूल पर मबनी है। ये तरीक़े में लकड़ी रेग माल के टुकड़े काट कर हरूफ बनाए जाते हैं और कहते हैं इन हरूफों को हाथ पेटे, जिससे दिमाग पर हरूफ की शक्ल मरतसीम हो जाती है। रेत या मिट्टी में उंगलियां फेरने से भी हरूफ की शक्ल तुलबा के जहन पर मरतसीम हो सकती है। पढ़ो और लिखो का तरीक़ा, कुल से जुज की तरफ। इस तरीके में दिलचस्पी कहानियाँ और किस्से सुनाकर आसान और आम फहम अल्फाज जो ज़मीन पेचीदा ना हो तुलबा से लिखवाए जाते हैं। इमला नवेसी हिज्जे सिखाने का एक उमदा ज़रिया है और रस्म अल्ख़त पेचीदा रहने से तुलबा हिज्जे करने में दुश्वारी पेश करते हैं। बच्चों का हाफिज़ा तेज़ होता है। अल्फाज की सूरत सही लिखने और हाफिज़े को तरक्की और तवज्जो की आदत पैदा करने का मौका मिलता है। फ्रोबेल बच्चे की फितरी अमल, तखलीज अमल और माशराती तरबियत
करबत जोर देते हैं। इनका ख्याल था कि इनके ज़रिए ही बच्चे जहां समाज और फर्द के ताल्लुक को समझने का वही पर इसकी ज़हनी और रूहानी नशोनुमा में मदद मिलेगी। इनके मुनासिब अमल आवारी के लिए इसने अमल काम और खेल के ज़रिए तालीम के उसूल को हासिल करने के लिए बच्चों के लिए तोहफे और काम तजवीज़ के जिनके ज़रिए बच्चों को जिस्मानी हरकत करने और इजहार खुदी का मौका देना। सबक के अकसाम। सबक के अकसाम। अमल सबक। इस सबक में मदारिस तुलबा को मज़मून लिखने के लिए कहते हैं। तुलबा मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करना पड़ता है। मवाद फरहम करके मौजू लिखना होगा। मदारिस कहते हैं कि एक हफ्ते बाद तमाम तुलबा खेल की अहमियत उन्वान पर मज़मून लिखना होगा। मदारिस तुलबा को रहनुमाई करेगा कि किन किन किताबों से मवाद हासिल किया जा सकता है। मशक़ी सबक। कवायद के असबाब के लिए मशक़ी तरीक़े तदरीस इंतहाई मुफीद साबित होता है। इस तरीक़े में तुलबा बार बार एक ही सबक की इबारत कराई जाए तो तुलबा इस सबक को पढ़ाने में महारत हासिल कर लें। मुबाहसी तरीक़ा। कहाँ पे है? मुबाहसी तरीक़ा। इस तरीक़े में तुलबा और मदारिस दोनों मिलकर बहस व मुबाहस करते हैं और आखिर नतीजे पर पहुँचते हैं। इस्तहानी अजबाक को भी इस तरीक़े में शामिल किया जाता है। मनसूबी सबक का सिलसिला हफ्ते और बाद अवकात महीनों तक चलता है। दोनों मिलकर एक मनसूबा तैयार करते हैं। मनसूबे के मंजूरी हासिल करने के लिए सदर मुदर्रिस को दरख्वास्त देना। मनसूबे की तकमील के लिए वसाइल तजवीज़ करके इसकी मरतूब करना। मालूमात हासिल करने के लिए किताब का मुतालिया। मुदर्रिस से मशवरा लेते हैं और ख़ुद भी मेहनत करके मशनूई को पूरा करते हैं। अजमाई सबक। इस तरीके में तुलबा को कई ग्रुप्स में शामिल कर लिया जाता है। इसके लिए एक तालिब इल्म मवाद जमा करेगा, दूसरा इसको तरतीब देगा, तीसरा ज़बान के नक़्त नज़र से मज़मून की जानिब करेगा और चौथा इसको मुकम्मल करेगा। उर्दू नसर की तदरीस। आम तौर पर मदारिस और उर्दू तदरीस के लिए जर्मन माहिर तालीम हर्बर्ट का तरीक़ा अपनाया जाता है। हर्बर्ट ने बच्चों के ज़हनी अमाल का मुतालिया और तजिया करके इस नतीजे पर पहुँचे के ज़हन का अमल दराक के उसूल पर होता है। इस अमल दराक को हर्बर्ट ने 5 हिस्सों में तकसीम किया। इसके 5 अकदाम हैं। उर्दू पढ़ने के लिए 3 अकदाम चाहिए और कवायद के लिए 4 अकदाम की ज़रूरत है। तमहीद ऐलान सबक। नमूने की बुलंद खवानी तलफ़ुज़ की मशक अगदमानी खामोश मुतालिया तफहीम इबारत आयदाद
نئے الفاظ کی شناخت مشق انفرادی بلند قوانین اردو نظم کی تدریس بچے کی شخصیت کی جہد نشو نما تعلیم کا بنیادی اور اہم مقصد ہے. اس کے لیے مدارس میں بچے سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. شبلی کہتے ہیں جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہو وہ شاعر ہیں. عملی زندگی کے حقیقت اور شاعرانہ حقیقت ایک ہو سکتی ہے. شاعری زندگی کی حقیقتوں کی ایک حسن تو تورے پیش کرتی ہے. شاعری طرح کی ہوتی ہے داخلی شاعری دو طرح کی ہوتی ہے داخلی خارجی. شاعر جب اپنے ذاتی تجربات اور دلی تاثیرات کو پیش کرتے ہیں تو اسے داخلی شاعری کہتے ہیں. جو عمومی حقیقت کو پیش کرتے ہیں تو اسے شاعری کو خارجی شاعری کہتے ہیں. داخلی شاعری جیسے گیت سائنس مرثیے نظم غزل. خارجی شاعری جیسے جذبات گیت ڈرامے گیت بچوں کے نظمیں شامل ہیں. نظم کے مختلف طریقے انائیب وداکاری کا طریقہ افہام تفہیم کا طریقہ مکلمہ کا طریقہ تشریح کا طریقہ موازنہ کا طریقہ تنقید و لطف انداز کا طریقہ. ابتدائی درجات میں نظم کی تدریس انتہائی ضرورت اور بہت مفید ہوتی ہے. غزل کی تدریس. غزل کے معنی کیا ہیں؟ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا, عورتوں کی تعریف کرنے کو غزل کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. غزل کی تعریف کے معنی کیا ہیں بلکہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور حمد کے معنی کیا ہیں اور نعت کے معنی کیا ہیں. نعت کسے کہتے ہیں, حمد کسے کہتے ہیں, نظم کسے کہتے ہیں, غزل کسے کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. غزل کی تدریس کا بنیادی مقصد حسن شناسی اور لطف انداز ہیں. غزل محسوس کرنے اور لطف اٹھانے کے چیز ہیں. غزل کا فن نہایت نازک ہوتا ہے. غزل میں اشعار کی ظاہری بے رابطی کے باوجود ایک کیفیتی اور جذباتی حدت ہمیشہ نہ صحیح اکثر و پیش ضرور پائی جاتی ہے. مدارس مناسب اور موزوں طریقے سے مشکل الفاظ ترکیب اور محاورات کی تشریح کریں. طلبا اشارے کے سنانے حسن کاری اور جمالیاتی فن کاری کو محسوس سی کر سکے اور ادبی حسن سے لطف انداز ہو سکے. قواعد کے تدریس. زبان کی سائنس کا قواعد کہتے ہیں. دنیا کے ہر زبان کے ادائیگی میں تلفظ ہجے واحد جمع مذکر مؤنث کے اصول ضابط موجود ہیں. ان کو قواعد کہتے ہیں. قواعد کے مقصد زبان کے صحیح استعمال ہیں. قواعد ایک خشک اور مضامین ہیں. قواعد کے تربیتی اصول یہ ہیں. عمل مقصد. تربیتی مقصد استحسن ادب میں مدد. تعریفی مقصد. عمل مقصد اس سے مراد صحیح لکھا جائے اور صحیح بولا جائے. تربیتی مقصد اس سے مراد جملے کی تحلیل و تحریر
जिसकी वजह से दूसरे की बात समझना आसान होता है। इस्तेहसान अदब कवायद के जानने से अदब के खूबियाँ कवायद के तदरीस के लिए उस्ताद को कवायद में माहिर होना चाहिए। कहाँ पे हैं, सॉरी पहले वहाँ से पढ़ेंगे। इस्तेहसान अदब कवायद के जानने से अदब की खूबियाँ आश्कार हो जानी चाहिए और क्लासिकल अदब के सामने समझने में आसान हो जानी चाहिए। तारीफी मकासद कवायद की वजह से जबान की फजाहत और बलागत से वाकिफियत हो जाती है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है। उर्दू कवायद वो सीखें जिसकी ये मादरी जबान ना हो। कवायद की तदरीस के लिए उस्ताद को कवायद में माहिर होना चाहिए। मुअल्लिम उर्दू को अपने आप पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा होना चाहिए। कवायद की तदरीस के लिए तख्तसिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कवायद पढ़ाने के तरीक़ा इस्लाही तरीक़ा, इस तरीक़े में तुलबा इस्लाहों और तशरीफ़ों को बार बार लिखाते हैं और इसके बाद इन्हें इस्तलाहों को तमशील के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके में असबाक असबाक इंतहाई खुश्क और बेजान होते हैं। तलबा बग़ैर सोचे समझे तारीफ़ें रट लेते हैं, इसलिए ये गैर साइंटिफिक तरीक़ा है। लिसानी तरीक़ा, इस तरीके से तलबा कवायद के किताब के बग़ैर ज़बान का इस्तेमाल सीखा जाते हैं। किताब के बग़ैर कवायद की तालीम मुकम्मल हो जाती है। ये तरीक़ा भी मुकम्मल नहीं कहा जा सकता है। निसाबी तरीक़ा, ये कवायद निसाब के मुताबिक है जिसमें इस्लाहों मिसालों इस्तारों अहम सन्फ ज़मीर को बड़ी खुशी इस्लूबी के साथ बयान कर दिया जाता है। ये तरीक़ा भी मुकम्मल नहीं है। दो खराबियां हैं, किताब की मरकजियात रखने की इबादत। तमसीली तरीक़ा, पढ़ाई उम्दा होती है, उसूल जागर होती है। मदरसा चढ़ा जुमलों के ज़रिए कवायद समझते हैं। तुलबा में असबाक में दिलचस्पी लेते हैं। असातिज़ा को बहुत ज़िम्मेदारी और होशियारी से काम लेना पड़ेगा। इस तरीके तदरीस में वक्त ज़्यादा लगता है। तहलीली तरीक़ा, इस तरीके में इस्तलाह की तारीफ़ बहुत सारे मिसालों का तजिया करते इस्तलाह तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके में मिसालें मुख्तलिफ और सिलसिलेवार होनी चाहिए। इस्तखराई तरीक़ा, सबक के उसूल इस्तखराजी के ज़रिए कवायद के तदरीसी आमदगी से दी जा सकती है। इसको अमल कवायद या फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। फंक्शनल ग्रामर किसे कहते हैं? इस्तखराई तरीक़े को कहते हैं। इस तरीके में तुलबा को कवायद के उसूल तारीफें नहीं बताई जाती बल्कि ज़बान की फजाहत और बलागत पर
زور دیا جاتا ہے۔ عمل قواعد کا نظریہ یہ ہے کہ قواعد منزل مشہور ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مثال سے اصطلاح کی طرف، یہ طریقہ جدید تدریسی تعلیم کے مطابق طلباء میں جو دلچسپی اور خوشی قواعد سیکھتے ہیں، معلوم سے نامعلوم، مقرر سے مجارد، تدریسی اصول کے مطابق رائنس وقت ضائع نہیں، محنت کا نتیجہ ہے۔ ذہن نشین استخراجی طریقہ، اس طریقے میں فارمل قواعد اور اس کے تعریف کو بنایا ہے۔ تعریفیں اور اصول رٹائے جاتے ہیں، صرف کتابیں ہیں، قدیم طریقہ ہیں۔ طلبے گھر گھبراتے ہیں، نامعلوم سے معلوم کی طرف جاتے ہیں، مجرد سے مقرور کی طرف جاتے ہیں۔ طلبہ حرکت نہیں، دلچسپی نہیں، خشک اور بے جان رٹنے کی عادت، تعلیمی نفسیات کی خلافت، ضابط عمل کے بھی بالکل اپوزٹ ہیں، برعکس ہیں۔ وسا استخراجی طریقہ، ان تمام خامیوں کے باوجود استخراجی طریقہ زبان کے استعمال اور زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ دو طریقے، استخراجی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی و ملازم ہیں۔ اصطلاح حاصل کرنے کے لیے استخراجی اور اصطلاح کو حاصل کرنے کے لیے استخراجی بہتر نہایت موضوع ہیں۔ قواعد کے تدریس کے لیے تجرکار معلم ہی اپنا ذمہ لے۔ تدریسی انشاء، انسان نے دنیا میں بے شمار اشیاء کی تخلیق کی ہے۔ تحریر کو ایجاد کیا گیا۔ انشاء کے مطلب یہ ہے کہ طلبہ کو مضمون نگاری میں عبور حاصل کروانا۔ مضمون نگاری چونکہ یہ ایک مستقل فن ہے، اس لیے نصاب کا ایک اہم جز ہے۔ زبان کے صحیح استعمال، عبور ذہنی، ابجد قوت تخلیل، ادبی قوت، شوق، ذوق، غور و فکر کی صلاحیت، اپنے خیالات کو مدلال اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ انشاء کو لکھواتے وقت طلبہ کی عمر، صلاحیت اور ذہن کو پیش نظر رکھ کر تدریس کرنی چاہیے۔ مضمون نگاری کی سب سے اولین ضرورت نفس مضمون سے واقفیت ہے۔ طلباء سے انشاء لکھوانے کے لیے ایسے عنوان کو انتخاب کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں طلباء کو پوری واقفیت اور تفصیلی معلومات ہو۔ ماہرین تعلیم نے ان انوار کے پیش نظر انشاء کی تدریس کے مختلف اداروں میں تقسیم کیا گئے ہیں۔ پہلا دور، اس دور میں طلباء ابتدائی جماعتوں میں رہتے ہیں۔ یہاں تصویر دیکھ کر یا کہانی
कहानी सुनकर ज़बानी इंशा की तरगीब दी जा सकती है। अंग्रेज़ी ज़बान का मशहूर नखाद बिलार्ड का ख्याल है कि काबिल इसके बच्चे कुछ इसके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए और कबल इसके के अच्छी तरह कह सके। इसके पास अहम और हम मानी बात कहने के लिए होना चाहिए। तलबा में तकरीर इंशा की महारत पैदा करने के लिए हसब ज़ैल मशाग़िल की मशक करवाए जाए। मुकलमों का मशक, तकरीर मुकाबला, नज़्म ख़वानी के मुकाबला, महावरों का जुमलों में इस्तेमाल, मुतारदीफ और मुताज़िद अल्फाज के मशक, गिनती मंजिल या वाक़िया बयान, किसी मंजर या वाक़िया बयान। दूसरा दौर मदरसे के वसी दौर में तलबा में कुछ सौ छः पैदा हो जाती हैं। इनका ज़खीरा अल्फाज भी बढ़ जाता है। तलबा को इशारती मज़मून लिखाए जाएँ या इसे उन्वान दिए जाएँ जिनके मुतालिक बच्चे अच्छी तरह वाकिफ हों, जैसे ताजमहल उन्वान दिया जाए और इसका मज़मून लिखवाया जा सकता है। कहो वाकिया है, किसने क्यों तामीर करवाया, इमारत का नक्शा किसने बनाया, तामीर की मदद क्या थी, कितनी लागत आई, आज इसकी अहमियत क्या है। तीसरा दौर शानवी दौर में अपने माहौल के मुताल्लुक सानवी नुमाइश, शवाने मजामीन, तकलीबी मजामीन लिखने के लिए दी जा सकती है। मजमून नवेसी की जान जबान है। जहाँ तनखीदी सबक, जहाँ तनखीद तबसरा कवायद सखन फहमी और इबारत शांसी कई ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अजबाक को अखर व फहम और अदारक के ज़रिए हमें समझा सकते हैं। इस सबक को तनखीदी सबक अजबाक कहते हैं। सवालात भी तीन तरह के होते हैं। फ़खर अंग्रेज़ सवालात, आगे बढ़ाने में मदद देने वाले सवालात, जांचने वाले सवालात। कमरे जमात में सवालात करने भी एक फ़न है। किसी एक या दो तालिबे इल्म को ही मुखातिब करके सवाल ना किया जाए, बल्कि पूरी जमातों को मुखातिब करके सवाल किया जाए। सवाल करने के बाद तुलबा को सोचने का कुछ मौका दिया जाना चाहिए। कभी कभी तुलबा को भी सवाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कभी कभी तुलबा को भी सवाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। गलत जवाब पर ना मुअल्लिम खुद हंसे और ना दूसरों तुलबा को हंसने का मौका दिए, अलबत्ता सही जवाब पर शाबाशी दे जाए। दर्सी व तदरीस भी एक फ़न है, इसलिए इसमें आला तालीम की इतनी ही अहमियत होती है जितनी किसी और फ़न में भी होती है। इम्तिहान और जांच उस्ताद की अहम जिम्मेदारी में
से एक अहम जिम्मेदारी ये है कि तलबा की तरक्की का जायज़ा लेने का वाहिद ज़रिया इम्तहान है। इम्तहान दो तरह के होते हैं, ज़बानी इम्तहान, तहरीरी इम्तहान। तलबा इन अजबाक में दिलचस्पी लेते हैं। इस्तहसानी में मारूज़ी सवालत का इम्तहान। मादरी ज़बान की तालीम में दो अनासिर बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं। ज़बान का अनासिर तखीलाती अनासिर, तलफ़ुज, हिज्जे, जुमले बनना, महावरे और इस्तारों का इस्तेमाल और कवायद के पढ़ाई ज़बान के अनासिर में शामिल हैं। तशरीहात, तौज़ीहात, इनफ़िरादी ख़यालात, तख्लीकी इंशा, इस्तहसानी व तनकीदी जायज़ा, अपने ख़यालात कोने अल्फाज और रंग रूप में सुबह सजाना तनखीलाती अनासिर हैं। मारूजी सवालात में मंदरजा ज़ैल तीन अमवार का होना ज़रूरी है। रिलेबिलिटी अगर एक अफोस सवाल बार बार तलबा से क्या जा रहा है और इसका जवाब एक ही तरह हो, हर मुमते बार बार एक ही निशान दिए तो इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। अगर एक इम्तहान इस सवाल के 6 निशान देता और दूसरा इम्तहान 4 और तो रिलायबिलिटी इसमें नहीं है। वैलिडिटी, अगर मदरसे तारीख वैलिडिटी अगर मदारिस तारीख के मालूमात की जांच के वक्त ज़बान के गलतियां हिज्जे और खुशखती से सिर्फ नज़र करना चाहिए और ना ही इन मौजूआत पर सवालात होना चाहिए। अगर कोई इम्तहान तारीख का पर्चा जांचते हुए खुशखती ना होने की वजह से निशानात कट देते हैं, इसमें वैलिडिटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी अगर कोई इम्तहान पर्चे जांचते वक्त किसी के जवाब को अपने पसंदीदा मरीज़ के मुफिक नहीं पाता इस कम निशाना देता है तो इस सूरत हाल को कहा जाएगा कि इस फर्क़े इम्तहान में ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन ज़बान व आदब के इम्तहान में मज़मून निगारी तरस निगारी तरस इम्तहान नहायत ज़रूरी है। मारूज टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मैचिंग टेस्ट, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स टेस्ट, कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, उसके बाद सिमिलेटरी टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, 6 तरह के जांच। जदीद तरीके तालीमी इम्तहान के साथ साथ तलबा की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए एक और ज़रिया भी है, इसे हम जांच कहते हैं। इम्तहानात और जांच यूँ तो एक ही कबल से मुताल्लुक हैं, लेकिन हकीकत में एक नहीं। इम्तहानात क्या है? इम्तहानात
सारे हैं जांच तालीम का होता है, जांच तालीम का होता है, इम्तहानात क्या है। आजकल के दौर में तलबा को काबिलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना होगा जिसके लिए मुमकिन तौर पर तलबा की जांच हो। चाल चलन, अखलाक व तहजीब, ज़ौक सलीम, अमसिफ वग़ैर, मुतालिया, इल्म की गहराई, ज़हनी नशोनुमा, तालीमी नशोनुमा, सलाहियत और ज़ौक़ इस्बाक वग़ैरह की जांच हो। यही तरीक़ा कार हकीकी जानिब जांच हो सकती है। ज़बान व अदब की तालीम में इम्तहानी और जांच दोनों की एक ही मसल में हैं। एक साले की तालीम ज़बानी हो तहरीर इम्तहान कहलाती है, लेकिन जांच तलबा के रोजाना काम पर अहमियत देना होगा। जांच के लिए ज़बान व आदाब हो या खारिजी अमदाद सब शामिल हैं। मावन निसाबी सरगर्मियाँ असातिज़ा के ज़िम्मेदारी से हद अहमद है। नज़म आदाब, अंजुमन बहस व मुबाहस, मशायरा, ड्रामा वकारी, स्कूल जरीदी, अदबी मुकाबला, अदबी नुमाइश, हरूफ व अल्फाज के खेल, ओबेदबाजी, खुश खवानी, अखताबत, कुतुब खाना। पहलवान बज आदाब, इसके ज़रिए स्कूल में अदबी माहौल, अदबी लियाकत व सलाहियत पैदा होती है। नज़म आदाब में तलबा अपने तहरीर किरदा, मजामीन, अफनाने अफसाना, कहानियाँ, साइंस मजमून, मुखामी आदाब व शायरे से और कभी कभी मुल्क के नामवार आदाब शायरे से मुतारिफ होने का मौका मिल सकता है। अंजुमन बहस व मुबाहस, इसके ज़रिए तलबा उर्दू तहरीर तकरीर दोनों में तरक्की के मौका मिलता है, जिनके मनफी व मुस्बित पहलू पर बहस की जा सकती है। आखिर में सदर अपने ख्यालात का ज़रिए तजिया करके फैसला असदार करें। मशायरा, कदीम ज़माने में मुकामी शायर आल इंडिया हैंड्रोपाक और अब बैनुल कौमी मशायरे होने लगे हैं। माशरे दो तरह के होते हैं, तहरी माशरा, गैर तहरी माशरा। माशरों की वजह से तलबा खुद भी शायर गोई की तरह माइल हो सकती है। मदरसे में सालाना कम अज़ कम एक मशायरा ज़रूर मुनाकिद करवाना चाहिए। ड्रामेवारी कारी, अदाकारी का मौका दो हालतों में ज़्यादा मैसर आता है, स्कूल डे, स्पोर्ट्स डे, मादरी ज़बान की तदरीस। ऐसे मौक़ों पर ड्रामा स्टेज के किया जा सके, क्योंकि ड्रामा में मुकलमात और अदाकारी का असर सुनने वालों पर ज़ोर होता है। स्कूल जरीदी तलबा में तहरीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और इनमें तहरीर से दिलचस्पी पैदा करने में स्कूल जरीदी इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। आज का स्कूल मैगजीन का
مستقبل میں کسی بڑے اخبار یا جریدہ کا ایڈ بن سکتا ہے۔ اسکول سے تین طرح کے میگزین نکال سکتے ہیں، کلاس سے میگزین، پوری دیواری میگزین، سالانہ میگزین۔ سال میں کم از کم ایک مرتبہ اسکول میگزین نکالنا چاہیے۔ ادبی مقابلہ، ان سے طلباء میں شوق اور دل ولوی پیدا ہوتا ہے۔ مقابلے، تدریسی آلات، مدرسے میں نصابی تعلیم، ڈرامے واری، اداکاری کا موقع دو حالتوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اسکول ڈے، اسپورٹس ڈے۔ مادری زبان کے تدریس میں ایسے موقع پر ڈرامہ اسٹیج کے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈرامے میں مکالمہ اور اداکاری کا اثر سننے والوں پر ضرور ہوتا ہے۔ اسکول جریدی، طلباء میں تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور ان میں تحریر سے دلچسپی پیدا کرنے میں اسکول جردی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کا اسکول میگزین کا ایڈریس مستقل میں کسی بڑے اخبارات یا جردیات کا اچھا تدریسی آلات، مدرسے میں مؤثر بنانے کے لیے تدریسی آلات کے بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ ان آلات میں سمیع و بصری آلات ہیں، سمیع آلات، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، گرام فون، لنگون۔ بصری آلات، تخت سیاہ، چارٹ، ماڈل، فلم پروجیکٹ، ایپی ڈیسکوپ۔ سمیع و بصری آلات، فلم، ٹیلی ویژن، تخت سیاہ، اہم آلہ ہیں۔ ہر کمرے جماعت میں رہنا ضروری ہے۔ ایک بہترین معلم اس آلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ چارٹ، انتہائی درجات میں اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سبق کے مناسب کا تعریف کرتے وقت بڑے سائز اور درست رنگ حروف کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماڈل، زبان و آداب کی تدریس کے دوران ماڈلز کے استعمال کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے۔ انشاء کی تدریس کے وقت محدود بیمانہ پر ماڈلز سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر انشاء کا موضوع کوئی معروف شے ہو تو طلباء سے مشنوعی کا خاکہ تیار کراتے وقت اس شے کا ماڈل دکھایا جا سکتا ہے۔ فلم پروجیکٹ، اس آلے کے ذریعے تصویر اور فلم پٹی بڑی سائز میں دکھائی جا سکتی ہے۔ کبھی ادبی جلسے، معاشرے یا منظرے کا کوئی منظر بھی طلباء کو دکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایپی ڈیسکوپ، اس آلے کے ذریعے فلم پٹی کے بغیر تصویر اور مسودوں کے صفحات اس طرح دکھائی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے نظر آئے۔ گرام فون اور لنگوا فون، گرام فون کے ذریعے نظمیں، غزلیں، مرثیے، کہانیاں اور افسانہ سنانا جا سکتی ہے، جس سے طلباء میں بہتری طور پر دلچسپی اور محرکہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔
ज़बान व आदाब की तदरीस में लिंगवा फोन की बहुत अहमियत है। इसके ज़रिए तलफ़ुज़ और अदाकारी अल्फाज के बेहतरीन तरबियत दे सकती हैं। हमारे मुल्क में इसका रिवाज अभी शुरू ना हुआ बल्कि तरक्की याफ्ता मालिक में लिंगवा फोन की मदद ली जा सकती है, जारी है। टेप रिकॉर्ड। और क्या टेप रिकॉर्ड। उर्दू शायर व अदब या किसी भी फॉर्म के प्रोग्राम को महफूज किया जा सकता है जो रेडियो टेप रिकॉर्ड पर जो अच्छी पर प्रोग्राम नसरों इन्हें वक्त ज़रूरत रिकॉर्डर कर लिया जाता है और बाद में कमरे जमात में तुलबा को सुनाया जाता है। इसके ज़रिए कहानियाँ नज़में गज़लें और ड्रामे भी बहस व खूबी सुनाए जाते हैं। रेडियो, आपको तो रेडियो पता ही है ना, सो रेडियो के बारे में आप एक बार पढ़ ली सकते हो। आप आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में तदरीस के दौरान रेडियो की अहमियत भी बहुत बढ़ गई है और एक बार आप पढ़ सकते हो रेडियो के बारे में। उसके बाद टेलीविज़न टीवी के बारे में तो आपको मालूम ही है। उसके बाद फिल्म भी तालीम का एक बहुत ही मौसर महंगा ज़रिया है। इसलिए तालीमी मकसद के पेश नज़र फिल्म बनाने का काम भी शुरू नहीं होता। तुलबा में फिल्म के ज़रिए ज़बान व अदब का ज़ौक पैदा कर सकता है। मुअल्लिम की खसूसियात। अच्छा, मुअल्लिम की खसूसियात क्या है? लिबास, आवाज़, तलफ़ुज़, हरकत व सकनात, अंदाज़ा बयान, तर्ज सवालात, मौज़ुआ पर काबू, तख्त सियाह का इस्तेमाल, खुशी खती वजाहत, तर्क और तरतीब, खुद एतमादी की सलाहियत, बच्चों की कारगर्दगी में इमदादन तमाम बातों का बौल मुतालिया करने से एक अच्छे और लाहक मुअल्लिम की निशानदही होती है। उर्दू पढ़ाने वाला उस्ताद सिर्फ उर्दू में ही तरबियत हासिल की हो, उर्दू मुअल्लिम की बड़ी खसूसियात है कि वो हंसी मुख, सेहत अच्छे हो, शक सूरत दिल, आवाज़, अंदाज कशदा, जहन, हमदारी, मौखा शनासी और उम्दा आवाज़ होना। मुअल्लिम उर्दू में मोहब्बत ज़बान पर उबरत इजहार बयान, दिलचस्पी, साफ आवाज़, ज़िंदा दिल, शक्ते मज़ा, इंसाफ पसंद, मिलनसार, खुश मिजाज, पोशक ईमानदारी, दीगर मज़मून, मुअल्लिम में खुद इत्मीनान और वक्त वाद। उर्दू ज़बान का निसाब कई सारे ना है। उर्दू ज़बान का निसाब मौजूदा निज़ाम तालीम में निसाब का किरदार इंतहाई अहम है। हमारे निज़ाम तालीम की सबसे बड़ी फर्दबी या खामी इसका निसाब है। आज़ादी के बाद तालीम की असलाह
और तरक्की के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपन 1950/2 से 1950/3 तालीमी कमीशन पठारी कमीशन तालीमी कमीशन 1950/56 कौमी तालीमी कमीशन 1980/6 नेशनल एजुकेशन 1986 मकरार किया गया है। इनके उर्दू ज़बान का निसाब के तदवीन है इब्तदाई दरमियानी सानवी इब्तदाई मंजिल है दरमियानी मंजिल है सानवी मंजिल है और इधर देख ले सकते हैं आप इब्तदाई मंजिल इस तरह यानी इस मंजिल में माकबल तहतानवी और खबल तहतानवी और तहतानवी जमातें शामिल हों। मदरसे के इस मंजिल में बच्चों का पढ़ाना मकसद नहीं है। मंजिल सिर्फ इनके मुस्तकबिल की बुनियाद है। इस मंजिल पर बच्चों की आदतें बनती हैं और शख्सियत की तामीर होती है और यही जिस्मानी नशोनुमा की मंजिल है। बच्चों को बोलना पढ़ना लिखना मेकानी की हर महारत है। ज़हनी नशोनुमा और सही लिसानी आदतें की तरतीब भी है। दरमियानी मंजिल 8 से 6 साल 6 क्लास के दरमियान मंजिल है। ज़हनी एतबार से स्कूल के ये मंजिल बड़ी अहमियत के हामिल है। सोचने और मुशाहिदा करने की सलाहियत में इजाफा होता है। इस मंजिल में निसाब में ज़ैल की उबावत पर मजामीन शामिल हैं। ब्लाड का ख्याल के शख्सियत जिसम के बनिस्बत रूह का मुतालिया मुआमले ज़्यादा हैं। अखल की बनिस्बत सैरत का मामला जो कभी भी सूरत हो शख्सियत का जिस्म से तन्हा ताल्लुक है जितना जहन से। प्लाट का ख्याल है कि साफ गुफ्तारी के लिहाज से साफ तकरीर करना इतना अहम अमल है कि इसको इत्तफाक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सेहत साफ सेहत है इसके माने साफ गुफ्तारी क्या बस साफ गुफ्तारी एक बार पढ़ लीजिए आप। पसंदीदा अखबार है सिक्के की तड़प तरबियत लखात दिगर मशाविल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उर्दू तरीक़े तदरीस उर्दू मेथडोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये 1 से 2 बार की 2 वीडियोस भी देख लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 दो डिवाइड करके डाली हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। इंशाल्लाह ये 2 वीडियो में से ही आपको सवालात आएंगे और उम्मीद है आएंगे इंशाल्लाह। और सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है ये पूरा सिलेबस ही है और हर आप लोगों को मैं PDF ऐसा कुछ भी मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है।
जो था मेरे पास वो फ़ोटोज़ थे, तो उसको ही निकाल के मैं वो भी फ़ोटोज़ भी सही नहीं था ऐसा कि ऐसा छोटे छोटे से पीसेस में थे, तो उसको ही जोड़ के मैं एक वीडियो बना ली, क्योंकि मेरे लिए भी काम आएगा, आप लोगों के लिए भी काम आएगा, बल्कि वीडियो बनाई। और मैं पढ़ने के लिए मैं तो ऐसी ही पढ़ रही हूँ, और मेरे पास तो तरीके तदरी आई मीन उर्दू मेथोलॉजीज दूसरे कौन से मेथोलॉजीज मेरे पास नहीं थे, तो बहुत परेशान हो रही थी मैं, तो बहुत मुश्किल से निकाली है, निकाल के हासिल करके और पढ़ाई की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप लोग कुछ ज़रूर कमेंट में बताना कैसे लगा। बहुत मेहनत लगी ऐसा बनाने में और वीडियो निकालने में, पूरा सिलेबस कवर करने में, और इसके साथ साथ दूसरे थर्ड क्लास का टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ी हूँ, तो पूरा थर्ड क्लास का टेक्स्ट बुक आई मीन पूरा उर्दू का टेक्स्ट बुक पूरा थर्ड क्लास का वीडियो एक पूरा बना हुआ है। दूसरे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ पूरे वीडियोज भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अब तो उर्दू मेथोलॉजी मिला है, और इसके साथ थर्ड क्लास का उर्दू थर्ड क्लास का पूरा उर्दू का बना चुकी हूँ वीडियो, एक ही वीडियो में उर्दू का थर्ड क्लास पूरा कवर हो चुका है, आप देख सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थोड़ी उम्मीद है कि मेरे साथ आप भी पढ़ रहे हैं, और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।